लॉन्च कर रहे हैं? मेरा नाम राम पाटिल है, कन्हैया यादव जी ने ये स्टूडियो चालू किया है। उनके साथ जो एक्टर जुड़े हुए हैं वो काफ़ी फेमस और काफ़ी सुपरस्टार एक्टर है। उन्होंने काफ़ी फिल्में भी की है, कुछ फिल्में उनके सुपरस्टार हो चुकी है। काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है भोजपुरी मूवीज़ का। आगे के प्रोग्राम के हिसाब से हम उनको काफ़ी बधाइयाँ देते हैं, उनको आगे बहुत सारी सक्सेसफुल उनके लाइफ में मिल जाए। कन्हैया जी आप बताइए क्या करना चाहेंगे? आज शुरुआत कर रहे हैं स्टूडियो का, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगा, क्या सोच के शुरुआत किया है, कुछ आगे का आपका मकसद होगा कि हाँ बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज दें कलाकार को, इंडस्ट्री से जुड़े लोग को? मेरे तरफ से तो पूरा ये सामने लोग सामने देखिए, मेरे तरफ से पूरा ये रहेगा कि जितना जितना भोजपुरी या हिंदी या किसी वर्ग के कलाकारों को अच्छा से अच्छा में ये कर सकूँ। सर आपसे जानना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ का आज ओपनिंग हुआ है और क्या प्लानिंग है यहाँ पे? सर देखिए, एक तो फिल्म की डबिंग होगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, कुछ चीज़ें मेरे परम मित्र कन्हैया जी यादव, इन्होंने ये नया बिजनेस शुरू किया है, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्होंने जो ये पहली बार हमारे भिवंडी से आके इधर बिजनेस कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्डिंग डबिंग ये सब चीज़ हो रही है और भी कुछ नए लुक लाने की सोच रहे हैं, तो ये जो धंधा कर रहे हैं इनको इसके हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे जितने भी फ्रेंड लोग आए हम लोग सर्कल में पूरा सोसाइटी। करें कुछ बताइए अपने बारे में, मतलब इस इंडस्ट्री में पहली बार शुरुआत कर रहे हैं या क्या बैकग्राउंड क्या आपका, क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैं मेरा बिजनेस दूसरा था। अच्छा, लेकिन मेरा मित्र बहुत दिनों से इसमें हमसे जुड़ाव था। हाँ, अब ऐसे करते करते हम दोनों आदमी में थोड़ा लगा हुआ है, बोले भैया ऐसा ऐसा बिजनेस है। और मेरे को भी पहले से भी शौक था ऐसा कि मैं कुछ करूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई मित्र कोई अनुभव वाले आदमी मेरे से मिला नहीं था, इसके लिए मैं थोड़ा कि मिले मेरे से बोला ऐसा ऐसा करते हैं मेरा ठीक है। सबसे पहले मैं दिनेश लाल अभी नए नए फेमस हुए थे, तो अभी खेसारी उसे कोई अच्छी नहीं आया था, मैंने उनको भिवंडी में बुलाया था। अच्छा, उस समय मेरे को बहुत लगाव था, लेकिन अकेलापन के चलते थोड़ा मेरे को ये हुआ, तब से मेरा बिजनेस अलग हो गया, मैं सिक्योरिटी का बिजनेस करता हूँ। यहाँ से फिल्में भी बनाएंगे? हाँ, फिल्में भी बनाएंगे। तो सिर्फ भोजपुरी को लेकर? नहीं नहीं, मैं हर विषय को लेकर चल रहा हूँ। तो क्या चुनौती आपको लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत इस बिजनेस में आज के ज़माने में, तो क्या लग रहा है कि कैसे अपने आपको अलग करने की कोशिश करेंगे? कुछ करेंगे अलग, तो इतना तो है। फिर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ तक कॉपरेट करने वाले हैं, कहाँ तक सपोर्ट करने वाले हैं? सर देखो, हमारे एकदम क्लोज मित्र है वो, हमारी तरफ से जितना होगा उतना हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमको इंडस्ट्री का उतना नॉलेज नहीं है, बट बिजनेस टाइकून के हिसाब से हम उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे कि बिजनेस किस तरीके से रन किया जाता है, उसके मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसमें अपने टाइम की एनवायरनमेंट कैसी है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अपन किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, इसका अपन पूरा उनको नॉलेज दे देंगे। सर तो भोजपुरी फिल्म में काफ़ी नॉलेज, लेकिन आप मराठी फिल्म में भी क्या है इसी स्टूडियो के माध्यम से बात करें? यस यस, आगे चल के ना थोड़ा प्लानिंग है उनका भी, मराठी में जैसे भी थोड़ा सा ये हो जाता है हम डेफिनेटली इसमें अपन उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अमित सुमन, और बहुत अच्छा लग रहा है जाके, एक स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और आशा करता हूँ कि इनका स्टूडियो आज ओपनिंग जो हुआ है आगे जाके दिन दुगना रात चौगुना करें। पहले उनके साथ काम करके अच्छा लगा, ये स्टूडियो खुला मुझे बहुत खुशी मिली है कि यहाँ पे तो अपने मित्र का स्टूडियो खुला है, और भगवान करे बहुत आगे तक जाए। सर खुद करें परिचय दीजिए, क्या मतलब प्रोजेक्ट किया आपने, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान जी इनका? हमने एक फिल्म था डार्क नाइट्स, वो हमने किया था। अच्छा। इनकी फिल्म थी और आज इनका खुद का अपना स्टूडियो है, तो बहुत खुशी हो रही है हमें ये करके। और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनकी फिल्म आ चुकी है लतखोर, इनकी फिल्म आई थी तो हमने देखी हुई है उनको, और आगे बहुत अच्छा करेंगे ये, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। फिर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सुदीप सुमन, मैं एज एडिटर और मेरा खुद का प्रोडक्शन है। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने इन्वाइट किया, हम लोग आए हैं और आगे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट साथ में मिलकर करने वाले हैं। सर आप भी बोल दीजिए क्या? तो पहले जितने भी दर्शक चाहने वाले सबको प्रणाम, गोड़ छू के पैर पकड़े, खेसारी भैया के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आई, बहुत प्यार भी मिला और आगे भी करते रहते हैं, बस आपके आशीर्वाद और प्यार।
तो आगे क्या प्लानिंग है? आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, इतने लोग आए हैं आपको मुबारकबाद देने जी। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, और आगे हमारे कन्हैया भैया हैं जिनकी वजह से फिर से मैं दोबारा खड़ा हो रहा हूँ वहाँ, तो उनका आशीर्वाद है, प्यार है, प्यार है। तो भैया ने चाहा और जैसे कि हमारे दोस्त सुमित भैया अपना, तो देखते हैं कुछ अच्छा करेंगे। बाकी अभी ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा क्योंकि आगे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये करने वाले हैं और हम साथ मिलकर कर रहे हैं और फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए थैंक्स आप काफी बहुत फिल्म प्रोडक्शन के बारे में सर ने काम किया है। जी जी जी, मैं प्रकाश आनंद फिल्म राइटर डायरेक्टर, और हमारे छोटे भाई राज श्रीवास्तव जी ने म्यूजिक स्टूडियो लॉन्च किया है आदित्य फिल्म प्रोडक्शन, और यह जान के बड़ी खुशी हुई। हम भी गेस्ट हैं, हमें यहाँ आने का मौका मिला, भाई ने बुलाया, मैं आया हूँ, और मैं इनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये स्टूडियो और इनका प्रोडक्शन हाउस खूब चले भाई, खूब चले और खूब तरक्की करे, और भाई भी आगे फिल्मों को फिल्म बनाए और हमें भी डायरेक्टर लें। सर आप बताइए, सर आप बताइए। जी सर, मैं TN त्रिपाठी करेक्टर आर्टिस्ट हूँ, और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है, जो ये खुला हुआ है आदित्य फिल्म प्रोडक्शन। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन रात दूनी चौगुनी आगे बढ़े, और राज जी भी अपने मिशन में सफल हों और ये फिल्म बनावें। जिस तरह से अभी हमारे आदरणीय प्रकाश जी जो निर्देशक हैं, इनके सौभाग्य से ही हम भी यहाँ फिल्मों में 4-5 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं इन्हीं के आशीर्वाद से। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि आगे बढ़े और अपने फिल्मों में मुझे भी चरित्र अभिनेता के रूप में मौका दें। तो आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, मैं सिंगर हरकेश कुमार, और बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पे स्टूडियो की ओपनिंग है, आदित्य फिल्म प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, और हम सबको बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ से आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया का कि जो हमें याद किए, एज ए गेस्ट एक्सपीरियंस बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है कि देवी मैया से हम सबका दुआ है कि माता रानी आशीर्वाद दें कि भैया का काम आगे बढ़ते जाए और अपने फिल्मों में हमें भी गाने का मौका दें, और इसी तरह काम करते रहें। और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर आके यहाँ से हमें भी काम करने का मौका मिलेगा, हमारे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले भी मार्केट में बहुत जल्दी। हाँ सर, बहुत गर्मी फिलहाल सर जोर से बोलिएगा एकदम। आप सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं भोला यादव, भोला वाई एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी है, और मैं इवेंट करता हूँ। सपना जी, खेसारी जी, पवन जी, विनय जी, सब लोग को लेकर इवेंट करता हूँ। राज जी मेरे छोटे भाई है, और बहुत काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। भैया ने बहुत अच्छा लगा, बोले भैया आइए, मैं बोला चलिए मिल के कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, क्योंकि सबके सहयोग से ही कुछ बेहतर और अच्छा होता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि क्या अच्छा लगता है इनके व्यक्तित्व के बारे में? जैसे मैंने पूछा आपसे, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, काम के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है कला के क्षेत्र में। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं आप, तो कोरोना वायरस का चल रहा कहर, तो कुछ कम हो रहा है इवेंट वगैरह? बीमारी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आदमी अपनी संतुष्टि और अपनी मजबूती से जिंदगी जीता है तो उसको कुछ भी हावी नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। साथी जी बताइए, क्या कर सकते हैं आदित्य फिल्म प्रोडक्शन को लॉन्च है सर, क्या हमें कुछ बताइए, कब से जानते हैं, क्या कर सकते हैं उनके बारे में? राजा भैया को मैं 5 साल से जान रहा हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम भी किए हैं, बीच में गैप लिए थे, उनका कुछ हो गया था, अभी फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और लोग उसके सपोर्ट में। सर आपसे क्या कहना चाहेंगे? सर बोलिए। अरे बोलिए, नमस्ते, मेरा नाम चंदनलाल सोनी है, और हमारे राजा भैया अभी एक आदित्य म्यूजिक लेके शुरुआत कर रहे हैं, नए दौड़ान में आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस आदित्य म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाएं। क्या बात है। और आप सभी से ये भी निवेदन है कि यह जो आदित्य फिल्म है, आदित्य फिल्म से आपको भोजपुरी के एक से एक लोकगीत सुनने के लिए मिलेगा, और नए दौरान में नया म्यूजिक है आदित्य म्यूजिक। तो हमारे बड़े भैया राजा श्रीवास्तव जी, जिन्होंने रतखोर फिल्म की है, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, अभी
बोल भी नहीं सकते कितने बड़े हैं, लेकिन आज जो भी प्यार आशीर्वाद है, मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी सिंगर हूँ और मैं भी गाना गाया हूँ, तो भैया का प्यार आशीर्वाद है, मैं उनकी वजह से आज यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये है अपना स्टूडियो बहुत अच्छा लगा, और प्लस ऐसा खुलना चाहिए स्टूडियो, मतलब किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, आए यहाँ पे देखे और अपना यहाँ पे काम करे। अब इससे बेटर और कुछ भी नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जो है, मेरा नाम जुबैर अली खान है और मैं एक्टर हूँ छोटा मोटा, और हमारे राजा भाई हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और पहली बार हम लोग यहीं गोरे गांव मिले थे तो राजा भाई ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि अपने लोग कुछ नया करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी जुड़ा हूँ राजा भाई के साथ में, और जो भी मुझसे अच्छी जो भी कोशिश होगी अच्छे से अच्छा और सपोर्ट मैं राजा भाई के साथ मिल के करूँगा इस टूर के लिए। सीता जी क्या कहना चाहेंगे आदित्य फिल्म प्रोडक्शन को लॉन्च, सर के बारे में बताइए, कब से जानती हैं और क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं 2-3 साल से जानती हूँ, तो इन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए जब बुलाए, जो भी है आदित्य प्रोडक्शन में, मैं चाहती हूँ कि मतलब आगे बढ़े। और कुछ काम वगैरह किया है आपने? कभी नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। भोजपुरी के सभी दर्शक के हमारे प्रणाम भाई अविनाश चाहिए। आज आदित्य प्रोडक्शन का शुभ मुहूर्त हुआ, ऑफिस की ओपनिंग हुई, बड़ा अच्छा लगा। अपने लोग हैं, अपने मित्रजन की है, प्रोडक्शन हाउस है, मेरी तरफ से बहुत ही ब्लेसिंग है कि दिन दुना रात चौगुना ये लोग तरक्की करें, अच्छा काम करें, अच्छा काम करते हुए आए हैं, और भी अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। अविनाश प्रोडक्शन को हमारे तरफ से आदित्य प्रोडक्शन को हमारे तरफ से, और जो भी है करते हैं बहुत अच्छी बात है, आगे करेंगे, हमारे शुभकामनाएं इनके साथ है, हमारे से जो भी कुछ रहेगा सहयोग रहेगा वर्कआउट करेंगे हम इनको। आदित्य प्रोडक्शन को हमारी तरफ से हमारी धड़क फिल्म इंडस्ट्री में धड़क की तरफ से भी हम लोग पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। इन्होंने अभी यहाँ पे स्टूडियो चालू किए, इससे पहले भी यहाँ पे कई स्टूडियो गए, लेकिन इनका स्टूडियो यहाँ पे सक्सेस होगा क्योंकि इनकी मेहनत करने लगन देख रहे हम। अभी सर भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी इनको काफ़ी काम दिया, लगातार सर की 10 फिल्म बनने वाली है। हमारी बहुत शुभकामनाएं इनके लिए, और ये हमारे साथ हमेशा संबंध बनाए रखते हैं। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, और आज आदित्य फिल्म प्रोडक्शन का मुहूर्त है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आई हूँ, और ये बहुत सारी तरक्की करें, दुगनी तरक्की करें, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मतलब बहुत सारे आशीर्वाद इन्हें मिले, और बस और क्या कहना चाहूँगी। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।